अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में हाल ही में जो जॉब्स आई हैं 1 जून को, उसके रिलेटेड आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 जून 2023 है। लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ मेल, बीएस 17, टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज, फेडरल डायरेक्टरेट टू एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास आर ग्रेड सी, मास्टर डिग्री आर इक्वलेंट टू इस्लामिक स्टडी, एज लिमिट 22 to 28 ईयर प्लस 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 है। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेनोग्राफी, परमानेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसकी जॉब है जी, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इसके लिए, साथ 40 वर्ड पर मिनट जो है वो स्पीड है, और स्पीड जो है 90% उसमें एक्यूरेसी चाहिए। एज लिमिट इसकी 22 to 28 ईयर प्लस 5 रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं इसकी 4 हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। न्यूरोफिजिशियन परमानेंट जॉब है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो MBBS आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से जो है जी रजिस्टर्ड होनी चाहिए जी। एज लिमिट इसके लिए 25 से 35 है जी। एक सीट है वो भी ओपन मेरिट पंजाब के लिए जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान। रिसर्च ऑफिसर परमानेंट फेडरल वाटर मैनेजमेंट सेल, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास आर ग्रेड सी, मास्टर डिग्री इन स्टैटिक इकोनॉमिक मैथमेटिक्स। एज लिमिट इसके लिए जो है वो 30 ईयर है प्लस 5 ईयर के रिलैक्सेशन है। सीट जो है 1 है। पोस्टिंग जो है इस्लामाबाद। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर परमानेंट जॉब है जी, ICT मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। क्वालिफिकेशन जो है वो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन लॉ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। एज लिमिट 25 से 35 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये सिंध के लिए है। सिंध रूलर जो है इसका कोटा है और ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में जी। इसकी भी 22 से 32 एज है। एक वैकेंसी है। जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासिफाइड रेडियोलॉजी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसकी जॉब है जी। MBBS आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है। इसके लिए जो है वो उन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। प्लस एज लिमिट 32 से 40 है। डोमिसाइल कोटा पंजाब का है जी। एडिटर टेम्परेरी जॉब है जी, मे कंटिन्यू फॉर एन इनडिफाइंड पीरियड। GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जी। 35 इसकी एज है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है। रिसेटलमेंट ऑफिसर परमानेंट अफ्रीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जी। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर है इन सोशल वर्क, और एज लिमिट जो है इसकी 25 से 35 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रावलपिंडी है। सीट इसकी 1 है। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जी, BS 19 की जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसकी एज लिमिट जो है 45 ईयर प्लस 5 है। एक सीट है जी। डोमिसाइल सेंध रूलर का है जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी है। असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर परमानेंट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। इसके लिए जो है जी मास्टर डिग्री है जी एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस में। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन DVM या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। एज 25 से 35 है। एक सीट है सिंध रूलर की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद। जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासीफाइड रेडियोलॉजी परमानेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है जी। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जी, इसमें भी MBBS रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 32 से 40 है जी। और डोमिसाइल जो है ये इसमें पंजाब का रिक्वायर्ड है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी, BS 17 की जॉब है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। कैटागरी जो है सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैक्सिमम एज 32 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें 23 हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 23 हैं। डोमिसाइल कोटा मेरिट 2, पंजाब 11, उसके बाद सिंध रूलर की 3 हैं जी। फाटा की भी इसमें सीटें हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है।
आर्किटेक्ट परमानेंट रेवेन्यू डिवीजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नंबर ऑफ पोस्टिंग इसकी एक इस्लाम एवरीवेयर इन पाकिस्तान और जो वैकेंसीज हैं वो एक है ज्वाइन इकोनॉमिक एडवाइज़र डायरेक्टर जनरल फिनांस डिवीजन में इसकी जॉब है जी PhD इन इकोनॉमिक्स आर रिलीवेंट डिग्री 30 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जॉब है जी इसकी 37 से 45 पेज है एक सीट है और पंजाब का कोटा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में है डायरेक्टर डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइजरी BS 19 की जॉब है फिनांस डिवीजन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये PhD इकोनॉमिक्स है उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनमें इकोनॉमिक पॉलिसी BS 17 MPhil इन इकोनॉमिक्स सेकंड क्लास है ग्रेड सी मास्टर डिग्री इकोनॉमिक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज दो हैं जी इसकी जो एज लिमिट है वो 32 से 40 है प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद असिस्टेंट इकोनॉमिक एडवाइज़र मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स है 5 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एज लिमिट 25 से 35 है इसकी जो वैकेंसीज हैं वो 4 हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इस्लामाबाद है असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरलॉजिस्ट तो डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स गिलगित बल्तिस्तान एज लिमिट 22 से 30 है इसमें अर्थ साइंस जियोलॉजी मिनरोलॉजी इससे रिलेटेड जिनकी मास्टर या बैचलर डिग्री या डोमिसाइल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन गिलगित बल्तिस्तान सर्वियर ड्राइंग ऑफिसर परमानेंट डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स सेम कैटेगरी है जी इसमें मैथमेटिक्स स्टेट जियोग्राफी से रिलेटेड डिग्री रिक्वायर्ड है 22 से 25 है इसकी जो है वो एज लिमिट है एक सीट है गिलगित बल्तिस्तान का कोटा है जी असिस्टेंट इंजीनियर माइनिंग परमानेंट जो डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स में इसकी जॉब है जी डिग्री सेम है इसके लिए भी माइनिंग इंजीनियर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन BS 17 की जॉब है डायरेक्टर ऑफ माइंस में गिलगित बल्तिस्तान का इसके लिए जो है वो डोमिसाइल रिक्वायर्ड है एज लिमिट जो है वो इसकी 22 से 30 है अकाउंटेंट स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास है ग्रेड सी मास्टर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है एज लिमिट 20 से 28 है डोमिसाइल जो है वो सेन दरबन का है एनीवेयर इन पाकिस्तान इसकी पोस्टिंग है ओरिएंटल टीचर मेल BS 17 परमानेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट GB मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है सेकंड क्लास रिक्वायर्ड है 20 से 28 इसकी एज लिमिट है डोमिसाइल जो है गिलगित बल्तिस्तान का रिक्वायर्ड है ओरिएंटल टीचर फीमेल BS 16 की जॉब है परमानेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट GB मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स इसके लिए भी 20 से 28 जो है वो इसकी एज लिमिट है और इसके जो 53 जो हैं ये वैकेंसीज हैं डोमिसाइल कोटा गिलगित बल्तिस्तान का है पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल जो है जी ये सेम ओरिएंटल एजुकेशन डिपार्टमेंट GB मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर में है इसकी जो सीट्स हैं वो 7174 इसकी सीट हैं एज जो है वो 20 से 28 प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है डिप्टी डायरेक्टर BS 18 परमानेंट मैनेजमेंट सर्विंग विंग एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक स्टैटिक कंप्यूटर साइंस इसके लिए जो एज लिमिट है 35 प्लस 5 ईयर है नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं जी खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट कोटा जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ये इस्लामाबाद में है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन तो जी आपने ये पॉलिसी सारी इनकी पढ़ लेनी है अप्लाई करने के लिए www.fpscgovernment.pk पे जाएंगे आप एप्लीकेशन जो है वो उसको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे उसको फिल करेंगे एप्लीकेशन फीस है जी द रेट ऑफ फी फॉर वेरियस पोस्ट BS 16 to 17 जो है वो 300 है 18 to 18 की जो है वो 750 है 19 की जो है वो 1200 है और BS 20 या उससे जो अगला ग्रेड है उसकी 1500 है फी जो है आप इन्होंने दिया हुआ है यहाँ FPSC का अकाउंट उस पर जो है वो आप डिपॉजिट करवा सकते हैं एज लिमिट जो है वो सिविल पोस्ट रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल 93 के हिसाब से जो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है वो ये देते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो टेस्ट के बाद इंटरव्यू होंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट जो भी आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके लिए रिक्वायर्ड है अगर जहाँ जहाँ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है एडमिशन सर्टिफिकेट जब आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको एडमिशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट जो है वो आपने जो भी इसके लिए जो है टेस्ट सेंटर वो आपने अप्लाई करने हैं तो वो आपने अपने डोमिसाइल वाइज जो है वो टेस्ट सेंटर अप्लाई करने हैं
चेंज ऑफ सेंटर भी हो सकता है। क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी 19 जून 2023 है। ये फेडरल जो है सर्विस कमीशन में जॉब्स आई हुई थी। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, डिफरेंट जो है ये कैटेगरीज की जॉब है।